कोरोना वैश्विक महामारी से पूरा देश लड़ रहा है, वहीं महामारी को लेकर पूरा देश लॉकडाउन भी है। इसी के चलते पूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर रोहिता शर्मा बानसूर पहुंचे। पूर्व मंत्री ने बानसूर विधानसभा क्षेत्र के लिए 11,000 लीटर सोडियम क्लोराइड की पहली किस्त में भिजवाया। अब लॉकडाउन 2 के चलते फिर 5,000 लीटर सोडियम हाइपोक्लोराइड लेकर बानसूर पहुंचे। डॉक्टर रोहिता शर्मा ने पत्रकार वार्ता में बताया कि बानसूर विधानसभा क्षेत्र को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा। वहीं बताया कि संकट की घड़ी में वे बेजुबान जानवरों के लिए भामाशाहों के सहयोग से 2,000 रुपए प्रत्येक पंचायत को पक्षियों के दाने के लिए दिए जा रहे हैं। वहीं बानसूर में गौशाला में जानवरों के लिए भामाशाहों द्वारा 20,000 रुपए प्रत्येक गौशाला को चारे के लिए दिए जाएंगे। मेरे से जो भी सवाल करना है पंचायत समिति में करो। मैंने कहा सर हमारा काम पंचायत समिति में थोड़ी अधिकारी का काम है। हमारा क्या काम है? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, गाइडलाइन का पालन करें, समाज तो भी बात इनमें अब इनमें कहते हैं कोई बात नहीं। 11 बजे कोई बात नहीं, जल्दी आ जाओ। कोरोना एक भयंकर महामारी है और आज ये पूरी दुनिया में फैलकर भारत में भी पहुंच गई है और भारत में इस भयंकर बीमारी, इस भयंकर रोग के सामने लड़ने के लिए भारत सरकार ने और राज्यों की सरकार ने हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने सभी सरकारों के मुख्यमंत्रियों से, सभी विपक्षियों से बातचीत करके कुछ गाइडलाइन जारी की है और उस गाइडलाइन में जो सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि कोरोना बीमारी का अभी तक कोई उपयुक्त साइंटिफिक इलाज निकल नहीं पा रहा, परंतु एक सबसे बड़ा हथियार जो हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने विकसित किया है वो है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग एक बहुत बड़ा हथियार है इस लड़ाई के लिए। और दूसरा जो सबसे बड़ा हथियार है इस लड़ाई लड़ने के लिए सेंट्रलाइजेशन। अब ये दोनों काम अगर हम तेजी के साथ पूरे देश में सैनिटाइजेशन और ये सब करने में लग जाएंगे तो निश्चित तौर पर हमको अभी तक सफलता मिली है और आगे सफलता मिलने वाली है। कठिन दौर जरूर है पर इसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं।